असलम ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर लेता हूं ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें अच्छे से समझ आए पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने स्टडी किया था कि सबस्टांस हायर कंसनट्रेशन से लोअर कन्सनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उस मूवमेंट को डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं यानी हाई से लो की तरफ जब कोई चीज़ मूव करेगी तो उसे डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट बोलेंगे क्लियर हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट के यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स आयन सब्सटेंसेस पार्टिकल्स हो रही होती है एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जाहिर बात है लिविंग सिस्टम के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अक्रॉस चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है और ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है अब आइए आपको समझ यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है यानी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और डेफ़िनेटली जब आप लो कंसनट्रेशन से हाई कंसन्ट्रेसन की तरफ किसी चीज़ को भेजेंगे उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी ए टी की फॉर्म में होती है सो ए यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस के अंदर सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है जिसमें चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है अगेंस्ट द कन्सनट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही होती है और उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सो so, इस स्टेटमेंट को ग्राफ ग्राफ की मदद से समझते हैं यह एक ग्राफ है जिसमें ये मैंने कंसनट्रेशन का आ, वर्टिकल लाइन से कन्सनट्रेशन को शो कर लिया और हॉरीजेंटल लाइन में दो मैंने कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स रखी हुई हैं लेट्स से यहाँ पर कोई भी सोल्यूट है आप गलूकोज कर लें ठीक है उसकी कंसनट्रेशन हाई है सो हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर ग्लूकोज का या किसी भी सक्रॉज आप कोई भी एग्जाम्पल कर ले और यहाँ पर उस सब्सटेंस की जो कंसनट्रेशन है वो लो है सो लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है अब डिफ्यूजन में क्या होगा हाई कंसनट्रेशन से चीज़ मूव करेगी लो कंसनट्रेशन की तरफ राइट सो डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हम इसे इस मूवमेंट को बोलेंगे सो so, डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है चीज़ें डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही हैं सो so, यहाँ पर मैं साथ में लिख ले, लेता हूँ डिफ्यूजन या पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है चीज़ें डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियन मूव कर रही हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के सो इसमें क्या होगा एक जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कम है ऑलरेडी कम है और दूसरी जगह पर हाई है लेकिन फिर भी आपने यहाँ से उस सब्सटेंस को इस एरिया पर पहुँचाना है तो इसके लिए आपको ए की रिक्वायरमेंट होगी और इस मूवमेंट को आप अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे और जब कोई भी ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट हो रही हो और ए यूटिलाइज हो रही हो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं क्लियर हो गया सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको हमेशा लिविंग सेल्स के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन और वो एटीपी फिर यूज होती है इस प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए क्लियर हो गया ओके okay. अब हम लिविंग सिस्टम के अंदर एक दो एग्जांपल्स uh, से समझते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है ओके okay. सो so, पहली एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हमारे स्टोमिक की लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं ठीक है उनकी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में उन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप होता है या एक प्रोटीन होती है जिसे प्रोटॉन पंप कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है प्रोटॉन पंप। सो डेफिनेटली इसका काम क्या होगा प्रोटॉन को पंप करना राइट right? सो so, इस प्रोटीन में एटीपेज इंजाइम मौजूद होता है लेट्स से यहाँ पर एक एटीपेज एंजाइम मौजूद है सो so, इसे मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ ये एटी पैज़ एंजाइम मौजूद है ये एटी पेज एंजाइम क्या करता है ये ए को यूज़ करता है ठीक है और ए को कन्वर्ट कर देता है ए प्लस इनऑर्गेनिक फस्टफेट राइट सो जब ये इंज़ाइम ए को यूज़ करता है तो ये प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर सकती है या ओपन हो सकती है या कोई भी ऐसा राउटर की तरह ये घूम सकती है लेट्स है यहाँ पर ये सेल का अंदर वाला एरिया है यहाँ पर हाइड्रोजन आइन्स की प्रोडक्शन हुई ये प्रोटॉन पंप क्या करता है हाइड्रोजन आयन को पंप करता है ये कौन से एरिया में हो रहा होता है क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ अभी पहले आप मैकेनिज्म समझ लें यानी यहाँ पर एक प्रोटीन है लेट्स ये प्रोटान पम्प इस प्रोटीन के साथ यहाँ पर अटैच हुआ ठीक है और ए की मदद से यहाँ पर एनर्जी जनरेट हुई और उस एनर्जी ने इस प्रोटॉन पंप को रोटेट करवाया और रोटेट करने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन क्या कर गया इस मेम्ब्रेन वाले इस रीजन से निकलकर बाहर वाले रीजन में आ गया सो लेट्स से ये इनसाइड द सेल है ये क्या है इनसाइड द सेल है और ये बाहर वाला जो रीजन है ये आउटसाइड द सेल है जैसे ल्यूमेन ऑफ स्टोमिक बोलते हैं सो so, हो क्या रहा है कि स्टोमिक की लाइनिंग के अंदर के जो सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रोटीन है जिसे प्रोटॉन पंप कहा जाता है जो बेसिकली हाइड्रोजन आइन जो कि एक प्रोटानस हैं उन्हें पंप करती है ये प्रोटीन इन द ल्यूमेन ऑफ स्टोमिक यानी स्टोमिक के एरिया के अंदर ये प्रोटान पम्प जाएंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और वो एसिड acid, एसिडिटी फिर हमारे स्टोमिक के अंदर जो है चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है राइट सो so, हो क्या रहा है के ये प्रोटीन क्या कर रही है हाइड्रोजन आइंस को पम्प कर रही है इनटू द ल्यूमेन ऑफ स्टोमिक और इस इन हाइड्रोजन आयन को पंप करने के लिए एटीपेज एंजाइम काम करता है एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है सो so आप जानते हैं कि हमारे स्टोमिक के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सेल के अंदर जो आयंस बनते हैं वो कंसनट्रेशन में लो होते हैं सो so ये डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर नहीं जा जा सकते सो so इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है कि लो कंसनट्रेसन से हाई कंसनट्रेशन के अंदर इन प्रोटॉन्स को पंप किया जाए सो so यहाँ पर मैं हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि स्टोमिक के ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होती है है। लेकिन फिर भी हमारे स्टोमे की लाइनिंग के सेल्स कंटिन्यूसली हाइड्रोजन आइन्स बनाकर उन्हें स्टोम के अंदर भेजते रहते हैं ठीक है सो so, जिसकी वजह से हमारे स्टोमिक की एसिडिटी बढ़ती है और चीजों की एब्जॉर्प्शन या ब्रेकडाउन अच्छे से हो पाती है अब ये यहाँ पर एक और चीज़ भी समझ लेते हैं कि सम टाइम आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन पंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और स्टोमिक की एसिडिटी हद हाँ से ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे आपके स्टोमिक को नुकसान भी होता है जैसे हम बोलते हैं ना एसिडिक हो चुका है आपका स्टोमिक बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो चुकी है सो so, उसके लिए कुछ मेडिसन आती हैं जिन्हें प्रोटान पम्प इन्हीबिटर कहा जाता है वो मेडिसन क्या करती हैं इन प्रोटान पम्प की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती हैं जिसकी वजह से ये थोड़े प्रोटॉन पंप्स को ल्यूमेन के अंदर भेजते हैं सो इस तरीके से आपकी स्टोमिक की एसिडिटी कंट्रोल होती है क्लियर हो गया सो ये एक एग्जांपल एक एक हमने स्टडी कर ली प्रोटॉन पंप की जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं स्टोमिक की लाइनिंग के अंदर और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ों की एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं यहाँ पर लेट्स से हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी नर्व सेल्स हैं उनके उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन पंप होता है जिसे सोडियम पोटाशियम पंप कहा जाता है डेफ़िनेटली नाम से जाहिर है कि ये पंप क्या कर रहा होगा सोडियम आइन और पोटाशियम आयन की ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा राइट सो so, होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज होती है पोलराइज का मतलब क्या है कि वो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव होती है अंदर से नेगेटिव होती है ठीक है फिर जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव हो जाती है जहाँ से पॉजिटिव हो, हो जाती है वो मैकेनिज्म कैसे होता है उसकी वीडियो आगे? ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है अगर आपने वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर हम जस्ट सिंपली समझेंगे कि ये प्रोटीन कैसे काम करती है और इसका बेनिफिट क्या होता है सो so, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी नॉर्मल हालत में जो नर्व सेल की मम्ब्रेन है वो बाहर से पॉजिटिव होती है अंदर से नेगेटिव होती है सो so, बाहर से पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि बाहर पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पॉजिटिव आइन से यहाँ पर मेरा मुराद मेरी मुराद जो है वो क्या है सोडियम आइंस ठीक है सोडियम आइंस की कन्सनट्रेशन ज़्यादा होती है सो इन साइड सोडियम आइन की कंसन यहाँ पर सोडियम आइन की कंसनट्रेशन क्या है ज़्यादा है यहाँ पर सोडियम इन द सेल ऑफ नर्व सोडियम आइन की कंसनट्रेशन कम है और इसी तरीके से पोटाशियम आइन की कंसनट्रेशन इन साइड द सेल ज़्यादा होती है सॉरी इन साइड द सेल पोटाशियम आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर पोटाशियम आइन की कंसंट्रेशन कम होती है बट ये प्रोटीन स्टिल क्या कर रही है कि ये अंदर से जो कि सोडियम आइन जहाँ पर कंसनट्रेशन में कम है इन सोडियम आइंस को यानी तीन सोडियम आइंस को एक बारी में ये प्रोटीन बाहर भेजती है ठीक है थ्री सोडियम आइंस को बाहर भेज रही है और हम जानते हैं कि बाहर सोडियम आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सो so, ये ट्रांसपोर्ट कौन सी हुई अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही हो, हो रही है राइट सो so, इस प्रोटीन में भी ए टी एंजाइम मौजूद होता है जो ए को कन्वर्ट करते हैं तो और इन टू और इनऑर्गेनिक फास्टफेट और इसकी मदद इस एनर्जी यूटिलाइजेशन की मदद से ये सोडियम आइंस को पाम करते हैं आउटसाइड द नर्व सेल ठीक है और इसी के साथ जब सोडियम आइन बाहर जा रहे होते हैं बाहर से दो पोटाशियम आइन अंदर आ रहे होते हैं सो आप नोट कर पा रहे हैं कि तीन सोडियम आइन्स बाहर जा रहे हैं और सोडियम आइन पर वन यूनिट चार्ज है और पोटाशियम आइन पर भी वन यूनिट चार्ज है सो तीन सोडियम आइन बाहर जा रहे हैं दो पोटाशियम आइन अंदर आ रहे हैं सो ओवरऑल क्या हो रहा है बाहर पॉजिटिव चार्ज की कंसनट्रेशन ज्यादा हो रही है अंदर पॉजिटिव चार्ज की कंसनट्रेशन कम हो तो रही है जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज बिल्ट हो रहा है और अंदर नेगेटिव चार्ज बन रहा है राइट सो ये रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल होता है होती है जिसके अंदर हमारे नर्व क्या करते हैं बाहर पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन की मेंटेन करते हैं और अंदर नेगेटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और जब स्टिमुलस मिलता है तो ये आयन एक्सचेंज होते हैं तो इस तरीके से एक नर्व इंपल्स चलती है वो डिटेल लेक्चर आप नर्व इम्पल्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं सो so होपफुली अभी तक जो भी मैंने आपको स्टडी करवाया आपको समझ आया होगा ये आज दो एग्जाम्पल जो हमने स्टडी किए हैं ये फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बल्क ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे जो कि टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो एग्जाम्पल आ जाती हैं सो so इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कवर करेंगे क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या स्टडी किया मैंने आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ होती है और इस मूवमेंट को अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इस ग्राफ के जरिए हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है जिसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है फिर हमने दो एग्जांपल स्टडी की एक हमारे स्टोमे की लाइनिंग के अंदर के जो सेल्स हैं उनमें प्रोटान पंप मौजूद होता है जो कि सेल के अंदर बनने वाले प्रोटानस को पम्प करता है इंटू द ल्यूमेन ऑफ ताकि स्टोमिक के अंदर एसिडिटी मजीद इंक्रीज होती रहे और क्योंकि ये काम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा होता है और इसमें एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही होती है सो तो इस वजह से इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं और एक और एग्जाम्पल हमने स्टडी की नर्व सेल्स की और नर्व इम्पल्स के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी जो नर्व सेल्स की लाइनिंग होती है वो पोलराइज होती है बाहर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव सो बाहर सोडियम आयन जब पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है स्टिल ये वाली प्रोटीन क्या करती है मजीद सोडियम आइंस को बाहर बेचती रहती है और दो पोटाशियम तीन सोडियम आइन आइंस को बाहर बेचती है दो पोटाशियम आइंस को अंदर लेकर आती है जिसकी वजह से बाहर सोडियम आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है अंदर कम होती जाती है सो so, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट तक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है सो so, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है ओके okay, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया अल्लाह हाफिज